हेलो एवरीवन। सो आज मैं बनाऊंगी क्रंची मंची इवनिंग स्नैक्स, जो बहुत जल्दी बन भी जाएगा और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक डोरिटोस का बड़ा पैकेट। ये मैंने स्वीट चिली फ्लेवर लिया है, आप अपनी चॉइस का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, पैकेट को ओपन करके सारे नाचोस को हम सबसे पहले प्लेट में निकाल देंगे, और जो बड़े बड़े पीस हैं उन्हें हम साइड में लगा देंगे, और जो छोटे छोटे पीस हैं उन्हें हम सेंटर में रख के अच्छे से उन्हें क्रश कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारे साबुत पीस मैंने साइड में लगा दिए हैं और सेंटर के पीसेस को मैंने अच्छे से बारीक बारीक क्रश कर लिया है। अब ये मैंने पूरी प्लेट रेडी कर ली है। अब इसमें सबसे ऊपर मैं डालूंगी वेज मेयोनीज। क्वांटिटी आप टॉपिंग्स की अपने हिसाब से, जितनी भी आपके टेस्ट के अनुसार, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें लगभग मैंने 3 बड़े चम्मच मेयोनीज डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी सेजवान चिली सॉस, थोड़ा सा स्पाइसी से बनाएंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज, और इसके साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से स्वीट कॉर्न। टॉपिंग्स आप अपनी चॉइस की इसमें कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब मैं इसमें डालूंगी चीज़, ये मैंने मोजरेला चीज़ और चीज़ क्यूब, जो प्रोसेस्ड चीज़ आता है अमूल का, उसे मिक्स करके डाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोजरेला चीज़ एकदम ड्राई हो जाता है जब आप उसे पकाते हैं। अब मैं इसमें मैंने कुछ ब्लैक ऑलिव्स लगाए हैं, साथ में कुछ रेड पेपरिका लगाई है, थोड़ा सा मिक्सड हर्ब्स डालेंगे। मिक्सड हर्ब्स ना हो तो आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े से चिली फ्लेक्स, और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हमारा इंडियन देसी चाट मसाला। इसके बगैर तो कोई भी डिश अधूरी लगती है। अब ये हमारी प्लेट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी 1 से 2 मिनट के लिए चीज़ को मेल्ट करने के लिए। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप इसे कढ़ाई में रख के भी चीज़ मेल्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, चीज़ी डोरिटोस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा यम दिख रहे हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप आगे भी इसी तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।